हे हेलो एवरीवन, दिस इज जगन्नाथ विश्वास एंड आप सब लोग देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल फिश लवर जसवीर। सो आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा मेरा न्यू टैंक सेटअप एंड बहुत सारे मोजाइक गप्पी का कलेक्शन, बहुत सारे फिशों का कलेक्शन, सब कुछ दिखाऊंगा ये वीडियो पे। तो आप सब लोग ये पूरा वीडियो देखते रहो, वीडियो स्किप मत करके। सो आप सब लोग देख सकते हो ये है मेरा न्यू टैंक सेटअप, ठीक है। तो इस टैंक पर मैं रखा है क्वाइन प्लांट्स। तो फास्ट स्टार्ट करते हैं मेरा मोजाइक गप्पी से। तो आप सब लोग देखो ये है मेरा एडल्ट साइज़ और जुवेनियल साइज़ भी बोल सकते हो, ठीक है, जुवेनियल साइज़ का मोजाइक गप्पी, ठीक है। यहाँ पर लगभग 10 पेयर के आसपास है, ठीक है। तो इसके बाद जो फिश आप सब लोग को दिखा रहा हूँ ये देख सकते हो, ये है मेरा एचबी ब्लू गप्पी, ठीक है। एचबी ब्लू गप्पी जो स्काई कलर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इसका कलर एंड क्वालिटी। तो आप सब लोगों को कैसा लगता है, आप सब लोग क्या करो एक कमेंट करके बोलो, ठीक है। तो हाथ में जो फिश था ये है फीमेल एचबी ब्लू गप्पी, ठीक है। अभी आप सब लोगों को एक मेल गप्पी उठा के दिखाऊंगा। तो आप सब लोग कमेंट करके बोलो इसका क्वालिटी कैसे। और यहाँ पर मेरा 3 पेयर एचबी ब्लू गप्पी है, ठीक है। और मेरे को लग रहा है एक फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, तो बहुत जल्दी बेबीज मिल सकता है, ठीक है। और आप सब लोग देख सकते हो ये है मेरा हॉर्नवर्थ, और जिसको बंगाली में झाजी बोलते हैं, ठीक है। तो हॉर्नवर्थ प्लांट्स है और यहाँ पर गप्पी क्रास है, ठीक है, हॉर्नवर्थ और गप्पी क्रास है। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है ब्लैक श्रिम्प। तो आप सब लोग देखो ये है मेरा ब्लैक श्रिम्प। तो ये श्रिम्प जो है एकदम छोटा जब था तब मैं यहाँ पर छोड़ दिया था, ठीक है। एक दो श्रिम्प मेरे हर एक टैंक पे है, बिकॉज श्रिम्प अगर आप टैंक पे रखते हो, ठीक है, फिशों के साथ अगर श्रिम्प रखते हो, श्रिम्प क्या करते हैं उसका जो मतलब टैंक पे जो एल्गी वगैरह होता है ये खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सब लोग श्रिम्प रखो हर एक टैंक पे, ठीक है। गप्पी के टैंक पे रख सकते हो, या फिर अगर कोई छोटा फिश है जेब्रा, हाँ ये सब फिश के साथ आप श्रिम्प रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब फिश के अगर टैंक पे श्रिम्प रखोगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो और एक फिश आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है मेरा मोजाइक गप्पी, ठीक है। इसको डम्बो मोजाइक गप्पी बोलते हैं। तो ये देख सकते हो ये है मेरा F3 बैच का, ठीक है, F3 बैच का जुवेनियल साइज़ का मोजाइक गप्पी, ठीक है। तो इसके बाद जो दिखाऊंगा यहाँ पर है मेरा रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन गप्पी। तो रेड ड्रैगन का क्वालिटी कैसे है आप सब लोग को हाथ में पकड़ के दिखाऊंगा। ये देख सकते हो ये है मेरा रेड ड्रैगन गप्पी, और इसका क्वालिटी आप सब लोग देखो, इसका कलर पैटर्न कितना सुंदर से आ गई है, ठीक है। यहाँ पर सारे फीमेल है लेकिन फीमेल का भी क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। अभी जो है मैं मेल रेड ड्रैगन ढूंढ रहा हूँ, तो आपके पास अगर मेल रेड ड्रैगन है आपके किसी के पास तो मेरे को इन्फॉर्म करो, तो मैं मेल रेड ड्रैगन गप्पी लेके मैं इसको ब्रीड ज़रूर कराऊँगा, ठीक है। और आप सब लोग देख सकते हो ये मेरा बड़ा सा टैंक है, जो टैंक में मैं अलग सेटअप पे रखा था वो टैंक पे अभी क्या है कुछ मोजाइक गप्पी है, ठीक है। 20 से 25 पीस मोजाइक गप्पी है। यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर फिश ज़िंदा रहती है, ठीक है, बारिश के पानी यहाँ पर डायरेक्ट पड़ता है, तो बारिश के पानी धूप वगैरह से अगर ज़िंदा रहती है, ठीक ठाक रहती है फिश, तो यहाँ पर ही मैं फ़िश फार्मिंग करूँगा, ठीक है। जितने भी मोजाइक गप्पी इसके बाद बेबीज देगा सारे मोजाइक गप्पी को यहाँ पर छोड़ दूँगा, ठीक है। और आप सब लोग देख ही लिया ये मेरा क्वाइन प्लांट्स है। तो उसके बाद मैं दिखाऊँगा मेरा और जितना भी मोजाइक गप्पी है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा वाला मोजाइक गप्पी है, ठीक है, मोजाइक गप्पी का बेबीज है। तो इसको मेरा जो टैंक पे बेबीज था उस टैंक पे छोड़ दिया, और यहाँ पर जो है सारे जो जुवेनियल साइज़ का मोजाइक गप्पी था उसको दो टैंक पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक तो ब्लैक जो टब आप सब लोगों को दिखाया उस टब पे, और एक जो है उस साइड पे और एक टैंक था, उस टैंक पे मोजाइक गप्पी था, ठीक है। तो सारे चीज़ दिखाया, अभी आप सब लोगों को दिखाऊंगा मेरा श्रिम्प, ठीक है, मेरा श्रिम्प को दिखाऊंगा। तो श्रिम्प आप देखते रहो, ठीक। तो मेरे पास अभी जो है चेरी श्रिम्प और ब्लैक श्रिम्प है, ठीक है। मैं और भी बहुत सारे कलर वेरिएंट के श्रिम्प में लेके आऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है, बिकॉज श्रिम्प का कल्चर मैं करूँगा, बिकॉज श्रिम्प का कल्चर बहुत ही ईजी है, ठीक है, एकदम लो मेंटेनेंस है। आपके टैंक अगर छोटा सा टैंक भी है उसमें भी आप श्रिम्प कल्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आप सब लोगों को ये श्रिम्प कल्चर रिलेटेड एक बहुत अच्छे चीज़ आप सब लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। आप सब लोग कैसे जो है श्रिम्प का मेल फीमेल पहचानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर कोई सेलर के पास से श्रिम्प बाई करके लेके आते हो और मेल फीमेल नहीं जानते हो, तो आप ठीक से
मेल फीमेल चूज करके नहीं लेके आ पाओगे। तो मैं आप सब लोगों को समझाऊंगा आप सब लोग कैसे मेल फीमेल पहचानोगे, ठीक है। तो मेल फीमेल दिखाता हूँ, उसके पहले आप सब लोगों को डिस्प्ले में एक फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। आप सब लोग देखते रहो। तो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देख सकते हो फोटो पे, जो मेल होता है उसका बॉडी शेप थोड़ा सा लॉन्गर होता है, ठीक है, मतलब लंबा ज़्यादा होता है, ठीक है, मेल। और फीमेल जो है लंबा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा फैटिक होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा मोटापा ज़्यादा रहती है, ठीक है, फीमेल का। तो ये चीज़ देख के आप सब लोग समझ सकते हो, ठीक है। मैं आप सब लोग को दिखाता हूँ हाथ में पकड़ के बहुत सारे फीमेल मेल शिम, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो शिम दिखाने के पहले आप सब लोग को मेरा मोजाइक गप्पी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, ये जो मोजाइक गप्पी मैं हाथ में पकड़ा हूँ, ठीक है, ये जो है मेरा फास्ट बूडर, ठीक है। इससे ही सारे बेबीज़ मेरे को निकला था, ठीक है। तो इसका क्वालिटी आप सब लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत है। मैं 3 पीस लेके आया था, लेकिन 2 पीस अनफॉर्चुनेटली वो मर गया था, ठीक है। अभी ये 1 पीस ही जिंदा है, लेकिन 1 पीस से बहुत ज़्यादा बेबीज़ मेरे को मिला है। ये है मेल, ठीक है। तो बूडर अभी देख रहे हो, ये है A4 बैच का, ठीक है। A4 बैच का क्वालिटी आप सब लोग देखो कितना खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी। हाँ, तो ये भी, इससे भी ब्रीडिंग हुआ है, ठीक है, इससे भी बेबीज निकला है मेरे को बहुत सारे। और अभी आप सब लोग को दिखा रहा हूँ जो मेरा F2 का जितने भी बेबीज था ना, वो सब क्या हुआ, वो सब जो है मर गया था, ठीक है। तो F2 और F3 मिला के ये जो क्वालिटी आप सब लोग देख रहे हो इसमें है, ठीक है। तो ये था मेरा मोज़ेक गप्पी का अपडेट। मोज़ेक गप्पी तो बहुत सारे हो गई है, ठीक है, मैं अभी सेल भी कर रहा हूँ। आप सब लोगों को अगर चाहिए आप सब लोग कॉन्टैक्ट करो, मेरा व्हाट्सअप लिंक मैं दे दूंगा, उसमें डायरेक्ट आ जाओ मेरा व्हाट्सअप पे आके चैट करो, मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँगा। लेकिन डिलीवरी अभी पॉसिबल नहीं है आप सब लोगों को। अगर आप सब लोग कलकत्ता के आसपास के हो, ठीक है, तो आप सब लोग मेरे घर पे आके ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ, ठीक है, मोज़ेक गप्पी को। तो आप सब लोग मतलब व्हाट्सअप में आ जाओ, आके मेरे से मैसेज करो, मैं प्राइस आप सब लोगों को बोल दूंगा, ठीक है। तो अभी आप सब लोगों को 2-3 शिम पकड़ के दिखाता हूँ, मेल फीमेल कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो आप सब लोग देखते रहो वीडियो, ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। और भी बहुत सारे अपडेट है, ठीक है, मेरा न्यू टैंक पे कौन सी फिश मैं छोड़ रहा हूँ वो भी आप सब लोग को दिखाऊंगा। तो आप सब लोग क्या करो, सिर्फ वीडियो देखते रहो, वीडियो स्किप करोगे तो आप सब लोग बहुत सारे चीज़ मिस कर जाओगे। तो ये वाला जो शिम्प आप सब लोग को हाथ में पकड़ के दिखा रहा हूँ, ये फीमेल है। मैं आप सब लोगों को बोला था फीमेल जो है थोड़ा सा फैटिक होता है, थोड़ा मोटापा ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसका आप सब लोग बॉडी शेप देख के समझ सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, ठीक है, तो इसीलिए ये फीमेल है। हाँ, तो ऐसे देख के आप समझ लेना, हाँ, बहुत ईजी है। आप सब लोग अगर ये हॉबी को ईजी तरीके से देखते हो तो ये बहुत ईजी है, अगर हार्ड तरीके से देखते हो तो बहुत ये मतलब हार्ड है, ठीक है। और ये जो हाथ में पकड़ के दिखाया था ये मेल था, बिकॉज मेल बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ पतला था, ठीक है, इसीलिए। तो ऐसे ही मैं तो पहचानता हूँ, ठीक है। और कलर भी, कलर देख के भी समझ सकते हो शिम का, ठीक है, जो ज़्यादा डीप कलर में आते हैं, ठीक है, वो मेल होता है, थोड़ा सा कलर जिसका कम रहता है वो फीमेल होता है, ठीक है। ऐसे भी होता है, लेकिन बहुत टाइम पे ऐसे कलर मिसमैच हो जाती है, तो उस टाइम पे आप सब लोग ऐसे बॉडी शेप देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा चेरी शिम्प का अपडेट। अभी मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा ब्लैक शिम्प, लेकिन आप सब लोग देख ही सकते हो मेरा चेरी शिम्प का टैंक पे सिर्फ शिम्प ही शिम्प है, ठीक है। जहाँ पर भी मैं हाथ दूंगा वहाँ पर ही शिम्प है। तो आप सब लोग समझ ही सकते हो शिम्प कितना ज़्यादा ब्रीड करते, तो इसीलिए आप सब लोग को बोलता हूँ आप सब लोग शिम्प कल्चर करो, शिम्प कल्चर पर आप सब लोग को ज़रूर प्रॉफिट है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करके मैं आप सब लोग को मेरा ब्लैक शिम्प दिखाता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स लोग, आप सब लोग देख सकते हो ये है मेरा ब्लैक शिम का टैंक। तो मैं हर एक चेरी शिम का टैंक जो है सीमेंट का टैंक करने के लिए कोशिश किया, बिकॉज सीमेंट के टैंक पे क्या होता है, फिश का जो पानी रहती है वाटर वो बहुत अच्छे रहती है, ठीक है, मतलब ठंडा रहती है, इसीलिए मैं यहाँ पर करने की कोशिश किया। और ब्लैक शिम का बहुत खूबसूरत एक अपडेट है, उसका जो है F2 का बेबीज़ मेरे को मिला है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्यूट बेबीज़ मिला है, ज़्यादा नहीं मिला है, 10 से 15 पीस ही ऐसे मिला है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत वाला बेबीज़ मेरे को मिला है, ठीक है। तो आप सब लोगों को हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ, मतलब ये नेट में पकड़ के दिखाता हूँ बड़ा वाला शिम्प। तो आप सब लोग देखते रहो, ठीक है, शिम्प बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप सब लोग देखो, ये है मेरा ब्लैक शिम्प, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, एकदम डीप ब्लैक के अंदर है, बहुत सारे चौको भी आए, लेकिन चौको में जो ब्लैक शिम का जो प्राइस होता है और चौको का प्राइस होता है, ठीक है,
वो एक साथ नहीं होता है, चौको का थोड़ा कम प्राइस होता है, तो चौको मैं अलग से ही सेल करूँगा, ब्लैक शीन के साथ नहीं सेल करूँगा। लेकिन चौको भी बहुत अच्छे कलर के साथ आए हैं, ठीक है। मतलब ये मेरा A1 और F2 का बेबीज़ तो आप सब लोगों को दिखाया, तो अभी जो चीज़ दिखाऊंगा ये है मेरा टैंक, जिस टैंक पे मैं मोज़ेक कॉपी छोड़ूंगा। और इस टैंक को मैं बहुत ध्यान से यहाँ पर रखा है, बिकॉज़ ये जो टैंक है, एक टैंक के ऊपर और एक टैंक रखा है, ठीक है। मतलब एक तो नीचे एक सीमेंट का टैंक था, उसके ऊपर एक एक्वेरियम रखा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। यसे पर मतलब एक्वेरियम अगर पड़ जाता है तो ये टूट जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा रिस्क लेके ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग देखो मेरा मोज़ेक कॉपी का क्वालिटी, मेरे को तो बहुत ही खूबसूरत लगता है क्वालिटी, ठीक है। मतलब मैं जो प्राइस पे मोज़ेक कॉपी दे रहा हूँ, इस प्राइस पे आसपास के मार्केट पे क्या कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो प्राइस पे मैं दे रहा हूँ उस प्राइस में ये क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है, ठीक है। मतलब एकदम परफेक्ट क्वालिटी है प्राइस के ऊपर। तो क्या प्राइस है, कैसे क्वांटिटी मेरा पास है, आप सब लोगों को अगर चाहिए होलसेल में भी चाहिए तो आप सब लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप में आ जाओ, व्हाट्सएप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस आप सब लोग समझ लो बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, ठीक है। तो मोज़ेक कॉपी देखो, इसका डाम्बो भी बहुत प्रॉपरली आया है, ठीक है। तो इसमें जो टैंक में किया है, टैंक को थोड़ा सा आप सब लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ। टैंक पे जो है मेरा हाइड्रोकोटाइल वार्सिलेट और कॉइन प्लांट्स जिसको बोलते हैं वो दिया है, और एक मेरा ओल्ड पुराना टूटी फूटी, ठीक है, एकदम मतलब क्या बोलूँ, एकदम एक से डेढ़ साल तो हो गई है ये जो घर आपको दिखाई दे रही है टैंक के अंदर, ठीक है। तो वो घर में दे दिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, इसीलिए। और क्या क्या, एक हॉर्न वो दे दिया, ठीक है। तो ये सब छोटा सा लो टेक टैंक सेटअप किया, और भी अच्छे से टैंक सेटअप करूँगा, लेकिन घर पे नहीं हूँ इसीलिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी करूँगा, ठीक है। तो आप सब लोग देख रहे हो ये है मेरा मोज़ेक कॉपी, मोज़ेक कॉपी का क्वालिटी कैसे, आप सब लोग ज़रूर कमेंट करो, वीडियो को आप सब लोग ज़रूर शेयर करो, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी ऐसे काम करते हैं, ठीक है, फिश रिलेटेड चीज़ को पसंद करते हैं, वो सबको शेयर करो वीडियो, ठीक है। और आप सब लोग देखो मेरा मोज़ेक कॉपी का क्वालिटी, और बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, अभी जो है मेरे सारे फिशेस को, जितने भी फिश है सब फिशेस को क्या करूँगा, खाना दूंगा। और खाना कौन सा दूंगा, खाना दूंगा आर्टिमिया फ्लेक्स, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिमिया फ्लेक्स, हाँ, बहुत अच्छा फूड है, ठीक है। तो ये फूड बहुत रिजनेबल भी है, हाँ, और ये जो लाइव आर्टिमिया होता है उसका ही ड्राई वर्शन है, ठीक है। लाइव आर्टिमिया को ड्राई करके ये सेल करते हैं, और फिशेस का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आर्टिमिया खिला के मेरे को तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट मिला है, ये जितने भी मोज़ेक कॉपी आप सब लोग देख रहे हो सारे आर्टिमिया खा के इतना बड़ा हुआ है, इतना सुंदर क्वालिटी आई है, ठीक है। तो अभी मेरा मोज़ेक कॉपी को थोड़ा खाना दे दूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, मेरा जो टैंक है बड़ा सा टैंक, उसमें मेरा जितने भी मोज़ेक कॉपी का बेबीज है उसको भी खाना दे दूँगा। अभी जो है आप सब लोगों को दिखाऊंगा सारे फिशेस खाना जब खा रहा है तब कैसे लग रही है, ठीक है। तो आप सब लोग देख सकते हो सारे जो है पागल हो गई है, ठीक है, खाने के लिए। ये मेरा एज भी ब्लू तो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, ठीक है, जब खाना देता हूँ, हाँ, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा भूखा रहे, ठीक है, हर टाइम खाने के लिए पागल रहती है, हाँ। तो ये सब था आज का वीडियो, सब कुछ दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। तो आप सब लोगों को कैसा लगा आप सब लोग कॉमेंट करके बोलो। मेरा शिम को थोड़ा सा खाना दूंगा, और शिम का लाइव फीडिंग आप सब लोगों को दिखाऊंगा, जो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन मैं वीडियो करने की कोशिश किया आप सब लोगों को दिखाऊंगा, तो आप सब लोग पूरा वीडियो देखना, ठीक है। एंड पे शिम का लाइव फीडिंग है, ठीक है, एकदम डिटेल्स में किया। तो शिम को जब खाना दो ना तब क्या करो, खाना एकदम ऐसे डुबा के दो, ठीक है, नहीं तो वो लोग खा नहीं पाएगा। तो आर्टिमिया को मैं ऐसे पानी में डुबा के दे देता हूँ, तो वो लोग खा लेते आके, और शिम का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है आर्टिमिया खा के। लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसके बाद जो शिम मैं लेके आऊँगा दूसरा कलर का शिम, उस टाइम पे जो है मैं टेट्रा बीट्स या फिर टायो बीट्स, ठीक है, ये लेके शिम को खाने खिलाने के लिए कोशिश करूँगा, बिकॉज टेट्रा बीट्स और टायो बीट्स से इसका कलर एंड ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा रहती है, बिकॉज इसके पहले मैं शिम किया था तो उस टाइम पे मैं टोटली टेट्राबीट खिलाता था, तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट मिला था, ठीक है। तो फिर से खिलाऊंगा, लेकिन टेट्राबीट थोड़ा सा कॉस्टली फूड होता है, इसीलिए उतना
ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है, RTMI खिलाता हूँ, लेकिन RTMI पे भी कलर एंड क्वालिटी बहुत अच्छा आई है। तो अभी आप सब लोग को दिखा रहा हूँ मेरा शिमका लाइव फीडिंग, तो आप सब लोग देखो मेरा चेरी शिमका लाइव फीडिंग। और वीडियो इतना ही करूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़रूर शेयर करो आपके सारे दोस्तों के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं वीडियो का पहले कभी नहीं बोलता हूँ आप सब लोग को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज आप सब लोग पूरा वीडियो देखो, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। तो आप सब लोग देख ही सकते हो मेरा शिमका लाइव फीडिंग बहुत अच्छे से फीट कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए।